कई महीनों की वेट के बाद फाइनली थॉर लव एंड थंडर लास्ट वीक रिलीज हुई। ऑल्दो मूवी का एंटिसिपेशन बहुत ज्यादा था, लेकिन ये मूवी सिर्फ एक रोमांटिक कॉमेडी के रूप में रही। बट ऑफकोर्स ये होना ही था, क्योंकि इस मूवी को प्रमोट किया गया था थॉर की स्टैंड अलोन जर्नी के रूप में। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इस मूवी की इवेंट्स का MCU की मेन स्टोरी पे कुछ इफेक्ट नहीं पड़ता। स्पेशली मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन्स थॉर की जर्नी को फिर से कनेक्ट करते हैं MCU में, और यही पोस्ट क्रेडिट सीन्स हैं जो डिसाइड करेंगे कि थॉर का MCU में फ्यूचर क्या होगा। हाय सुपर फैंस, आई एम स्वप्निल, और इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा थॉर के पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखे हरक्युलिस को और इस न्यू कैरेक्टर की वजह से थॉर का MCU में फ्यूचर क्या हो सकता है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स बिगिन द वीडियो। थॉर लव एंड थंडर की इवेंट्स के दौरान जब गौर द गॉड बुचर सभी एस्गार्डियन बच्चों को किडनैप करके ले जाता है, तब थॉर अपने साथ माइटी थॉर, कर्क और वैल्करी को लेके जाता है ओमनीपोटेंट सिटी। वहां वो मिलते हैं गॉड्स के लीडर ज़ूस से, लेकिन ज़ूस से एक डरपोक गॉड निकलता है जो उनकी मदद करने के लिए मना कर देता है। लेकिन गौर से लड़ने के लिए उन्हें ज़ूस का थंडरबोल्ट चाहिए होता है, जिस वजह से वो उसकी आर्मी से फाइट करते हैं, और इसी फाइट में ज़ूस के थंडरबोल्ट को यूज करके थॉर ज़ूस को मार देता है। लेकिन मूवी के मिड क्रेडिट सीन में हमें पता चलता है कि ज़ूस मरा नहीं है, सिर्फ इंजर्ड हुआ है। लेकिन ह्यूमंस के गॉड्स की जगह सुपर हीरो को प्रेज करने और अपनी सिटी में थॉर के हाथों बेइज्जती होने की वजह से वो रिवेंज के लिए भेजता है अपने मोस्ट स्किल्ड वॉरियर को थॉर से बदला लेने के लिए। अब ज़ूस के बेटे के रूप में हमें दिखता है सुपर स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर हरक्युलिस, जो कि प्ले कर रहे हैं एक्टर ब्रेट गोल्डस्टीन। एक ब्रिटिश एक्टर के रूप में ब्रेट गोल्डस्टीन टेलीविजन पे बहुत नाम कमा चुके हैं, जो रीजन है MCU के प्रेसिडेंट केविन फाइगी का उन्हें हरक्युलिस के रोल के लिए सिलेक्ट करने का। मार्वल कॉमिक्स के यूनिवर्स में कॉस्ट्यूम सुपर हीरो के इंट्रोड्यूस होने से पहले सुपर हीरोज के रूप में यहाँ एग्जिस्ट करते थे सिर्फ अलग अलग माइथोलॉजी के गॉड्स। इन्हीं में से एक पॉपुलर गॉड था हरक्युलिस। माइथोलॉजी की स्टोरीज की तरह कॉमिक्स का हरक्युलिस भी एक इनक्रेडिबली स्ट्रॉन्ग इमॉर्टल वॉरियर था, जो एडवेंचर और फेम की तलाश में पूरे वर्ल्ड में ट्रेवल करता था। लेकिन बाकी ओलंपियन गॉड्स के उल्टा हरक्युलिस एक नोबल पर्सन था, जो उनकी हेल्प करता था जो खुद को डिफेंड नहीं कर पाते थे। ऑल्दो हरक्युलिस का कैरेक्टर थॉर से बहुत ज्यादा मैच करता था, लेकिन फिर भी कॉमिक्स की जर्नी के थ्रू आउट ये दोनों एक दूसरे से लड़ते हुए दिखे हैं। मार्वल कॉमिक्स में स्टैन ली और जैक किर्बी के क्रिएटेड आइकॉनिक मार्वल हीरोज में से हरक्युलिस भी एक है। ईयर 1965 में कॉमिक्स जर्नी इनटू मिस्ट्री एनुअल इशू 1 में हरक्युलिस का फर्स्ट टाइम मार्वल अपीयरेंस हुआ था। इसके अलावा एक और वर्जन हरक्युलिस का इससे पिछले साल द एवेंजर्स इशू 10 में भी हुआ था, लेकिन उस कैरेक्टर को एक इम्पोस्टर बता के खत्म कर दिया गया था। इस कॉमिक्स के हरक्युलिस कैरेक्टर को ग्रीक माइथोलॉजी के हरक्युलिस के सिमिलर ही रखा गया। कॉमिक्स में हरक्युलिस ओलंपियन गॉड ज़ूस और एक मॉर्टल वुमन एलेक्मेना का बेटा है। उसे रेज किया उसके ह्यूमन पेरेंट्स ने, और उसका इनिशियल नाम एलेकियस था। लेकिन जब उसे अपनी पावर्स और डिवाइन हेरिटेज के बारे में पता चला, उसने अपना नाम चेंज करके रख लिया हरक्युलिस। किसी भी मॉर्टल के मुकाबले बैटल में सबसे स्किल्ड और स्ट्रॉन्गेस्ट है, और जैसा मैंने पहले कहा, उसके पास इनक्रेडिबल फिजिकल स्ट्रेंथ है, जो उसे सिर्फ थॉर से ही नहीं बल्कि हल्क से बैटल करने में भी हेल्प करती है। इसके अलावा उसके पास बाकी गॉड्स की तरह इमॉर्टैलिटी और क्विक हीलिंग भी है। हरक्युलिस का वेपन है मेटल ऑफ गॉड गोल्डन एडमेंटाइन का बना मेस। मार्वल कॉमिक्स में हरक्युलिस एक सुपर हीरो था जो ह्यूमैनिटी को डिफेंस करने के लिए अपनी पावर्स यूज करता था, और कॉमिक्स में करेंटली हरक्युलिस गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी की टीम का एक मेंबर है। अब ऑल्दो लाइव एक्शन में मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की थॉर लव एंड थंडर के मिड क्रेडिट सीन में हरक्युलिस को फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया है, लेकिन इसके अलावा भी मार्वल के एनिमेटेड शोज और वीडियो गेम प्रोजेक्ट्स में हरक्युलिस पहले भी दिख चुका है। टीवी पे फर्स्ट टाइम हरक्युलिस 1966 के द मार्वल सुपर हीरो शो में दिखा था, जहां इस शो के माइटी थॉर सेगमेंट्स में वो एक रिकरिंग कैरेक्टर था। इसके अलावा फॉक्स की एक्समैन और फैंटास्टिक फोर की एनिमेटेड सीरीज, और फिर 90s में हल्क एंड द एजेंट्स ऑफ स्मैश और अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स की एनिमेटेड सीरीज में भी हरक्युलिस दिखा था। वहीं अगर गेम्स की बात करें तो 2009 की मार्वल अल्टीमेट अलायंस 2 गेम में हरक्युलिस एक बॉस कैरेक्टर था। इसके अलावा ये एक प्लेएबल कैरेक्टर था फेसबुक गेम मार्वल अवेंजर्स अलायंस में। अब थॉर लव एंड थंडर के मिड क्रेडिट्स के थ्रू MCU में एंट्री कर रहे हरक्युलिस को गाइड कर रहा है उसका फादर ज़ूस। और जैसे कि हम ज़ूस के कैरेक्टर के बारे में जान चुके हैं, जो कि एक मतलबी और डरपोक गॉड है, और फिलहाल ज़ूस थॉर की वजह से उस पे तो चिढ़ा ही हुआ है, लेकिन साथ ही वो ह्यूमन से भी हेट करने लगा है, क्योंकि वो सुपर हीरोज को ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। अब ज़ूस के इंटेंशंस और हरक्युलिस के इंट्रोडक्शन से ये क्लियर है कि ये दोनों ही कैरेक्टर्स थॉर की 5th मूवी में जरूर दिखेंगे। यानी कि हो सकता है कि थॉर का 5th पार्ट हमें लेके जाए एक ऐसे वॉर के बीच जो हो रहा है ओलंपस और मिडगार्ड के बीच। लेकिन हो सकता है कि
इससे पहले ही हरक्यूलिस को एमसीयू में इंट्रोड्यूस करने के लिए उसे एक स्टैंड अलोन मूवी दी जाए, या फिर हो सकता है कि उसे सीधे इंट्रोड्यूस किया जाए एक टीम मूवी में जैसे कि अवेंजर्स 5। लेकिन अब जो भी हो, हरक्यूलिस इनिशियली एमसीयू में इंट्रोड्यूस होगा एक एंटागोनिस्ट यानी कि थॉर के राइवल के रूप में। ये एक ऐसा गॉड होगा जो ह्यूमंस के बारे में जो कुछ भी जानता है वो उसके फादर ज़ूस का फीड किया हुआ है, और इनिशियली वो सिर्फ वॉर और बैटल की थ्रिल के लिए थॉर से लड़ना चाहेगा। लेकिन अगर एमसीयू में भी हरक्यूलिस की स्टोरी कॉमिक्स की तरह ही चलती है तो विद टाइम वो ह्यूमैनिटी के सपोर्ट में आ जाएगा और रियलाइज करेगा कि उसका फादर ज़ूस ही गलत है, और वो सपोर्ट करके शायद साथ में हो जाए थॉर के ही। बट हरक्यूलिस के केमियो और ज़ूस के लास्ट मैसेज की वजह से ये क्लियर है कि थॉर 5 जरूर बनेगी, और इस मूवी में थॉर के कैरेक्टर को प्ले करेंगे क्रिस हेम्सवर्थ ही, जो एक तरह से क्रिस हेम्सवर्थ के थॉर का एमसीयू में फ्यूचर सिक्योर करता है। और फ्यूचर में हो सकता है कि हमें एक डिज्नी प्लस के शो के थ्रू हरक्यूलिस की इंडिविजुअल जर्नी भी दिखाई जाए। आपके इस बारे में क्या थॉट्स हैं मुझे कमेंट्स में लिख के बताना। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कर देना क्योंकि वो एकदम फ्री है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।